नमस्ते भारत, चिराग किसान के साथ आज बांबू फार्मिंग के अंदर में आपको बताते हैं कि अगर आपके पास में कहीं पर भी जगह पड़ी है जहां पे आप बांबू फार्मिंग करना चाहते हो तो किस किस तरीके से उसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे आपके पास गार्डन हो, गवर्नमेंट की कोई जगह हो, या आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी आश्रम हो, जहाँ आपके पास में वेस्ट जगह है वहाँ पर आप इस तरीके से ढाई ढाई फिट के अंतर पे बांबू जो है वो लगा सकते हो। वो बांबू लगाने से होगा तीन चार तरीके की अलग अलग चीज़ें। एक तो ग्रीनरी को आप बढ़ा पाओगे। ये देखिए, एक्चुअल में हमारे यहाँ पर वो एक्स्ट्रा जगह पड़ी हुई थी जहाँ से पशु वगैरह जो है इनसाइड पे आते थे, तो हमने वहाँ पर जो है ये ढाई ढाई फिट के अंदर में डिस्टेक्टस करके जो वेराइटी है वो लगा दी है, जिसके कारण 8 से 12 महीने के अंदर में ये डिस्टेक्टस जो है वो 10 फीट के आसपास की हाइट ले लेगा और एक दूसरे के साथ में इंटरलॉकिंग सिस्टम में वो आता है, क्योंकि उसमें साइड ब्रांचेस ज़्यादा आती है, तो वो साइड ब्रांचेस के हिसाब से अंदर और बाहर नीलगाय, पीग या दूसरा कोई भी जानवर जो अपने अंदर में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान ना करे उसके हिसाब से अपन ये लगा सकते हैं। वहीं पे हमने दूसरी जो है वो ग्रीन वल्गरियस वेराइटी, ये ग्रीन वल्गरियस वेराइटी और टुल्डा, उसका भी मिश्रण किया हुआ है। एक ग्रीन वल्गरियस, एक टुल्डा, एक ग्रीन वल्गरियस, एक टुल्डा, एक ग्रीन वल्गरियस, एक टुल्डा, ऐसे करके वो भी ढाई ढाई फिट के अंतर पर ये पूरी बाउंड्री के अंदर में ये लगाया हुआ है। आप भी इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में चयन करके अलग अलग वेराइटी को लगा सकते हो, ताकि कुछ जगह ऐसी हो जो आपको इनकम दे सके, हाइट बढ़ा के, लेंथ बढ़ा के, 5 साल 4 साल के आसपास में उसमें से आप इनकम ले सको। कुछ वेराइटी ऐसी है जहां पर आपको बाउंड्री जो है उसको कवर्ड करना है, तो वहां पर आप साइड ब्रांचेस वाली जो है वो वेराइटी लगा सकते हो। ये लाइव काम चालू है अभी, यहाँ पर अलग अलग वेराइटी जो है वो लग रही है। यहाँ से फिर से वेराइटी हमने थोड़ी सी चेंज की हुई है। यहाँ पर हमने जो है वो स्टोक्सी डेंड्रोकेलिमस स्टोक्सी मनगा, जिसको कहते हैं कोकड़ का सबसे बढ़िया बांस है मनगा, वो स्टोक्सी वेराइटी जो है वो डाली हुई है। और स्टोक्सी के साथ में हमने डाली हुई है दूसरी वेराइटी हिमल्टोनी। एक हिमल्टोनी, एक स्टोक्सी, उसी तरीके से जो है ये हिमल्टोनी वेराइटी है, ये स्टोक्सी वेराइटी है। एक हिमल्टोनी, एक स्टोक्सी, एक हिमल्टोनी, एक स्टोक्सी, एक हिमल्टोनी, एक स्टोक्सी, इस तरीके से जो है ये बॉर्डर लाइन जो है वो पूरी की है। बेसिकली ये हमने जो लगाया हुआ है ये हम यहाँ पे मॉडल फार्म बना रहे हैं, उसमें बाउंड्री में भी हमने दो दो किस्म को एक साथ जोड़ा, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी किसान मित्रों को 1 से 1.5 साल के अंदर में कौन सी वेराइटी कैसी है वो समझ में आए। इस तरीके की हमारे पास में टोटल 12 वेराइटी है और वो 12 के 12 वेराइटी हम इसी तरीके से अलग अलग बाउंड्रीज पे और फील्ड पे अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं। तो आइए कभी भी बांबू नर्सरी मोरबी, मोरबी आश्रम, ओसोवाड़ी, गोरखिजड़िया वनाड़िया गांव के पास में और बांबू को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पुराने बांबू भी लगे हुए हैं और नया सीड बेस का अलग अलग 12 वेराइटियों का मिश्रण भी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।